नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका EPF यानी कि एग्ज़ाम पाथ फाइंडर पे। चलिए जानते हैं आज हम किस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी आई है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के पोस्ट के लिए। ये फिल करी जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे। अगर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको एक यूनिवर्सिटी से LLB होना बहुत ज़रूरी है इस वैकेंसी के लिए। और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपको इलीगल केस में डील किए हों या फिर एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, प्रोफिशियंसी इन ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड वेल वर्स्ड इन मर्केंटाइल लॉ, आर्बिट्रेशन लॉ एंड पेटेंट्स लॉ। इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 35 वर्ष की है। स्टार्ट और एप्लीकेशन और लास्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस जो डेट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी यहाँ मेंशन करके हम लोग रखे हुए हैं। और दोस्तों, अगर इस फिजिकल एड्रेस यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको ये पोस्ट सेंड करना होगा एप्लीकेशन फिल करके। अगर इससे जुड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम बात करें तो वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर देख सकते हैं, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर एक वैकेंसी खाली हुई है जो कि भरी जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे। और आपकी जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष की है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप और जानकारी इस नोटिफिकेशन को देख के ले सकते हैं। अगर इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी प्रश्न आपको पूछनी हो या फिर कोई भी इशू रेज करना हो तो आप हमारे कम्युनिटी पे आएं, यहाँ पे अपना सवाल आप अवश्य पूछें। हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।